आलिया को कॉल करके बता देती हूँ। हाँ यिल्दिज़, कहो क्या हुआ? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। वो तो मैं जानती हूँ, तुम बताओ क्या हुआ? यकीन नहीं करोगी कि मैंने तुम्हारी बहुत बहुत तारीफें की हैं, और वो मेरी बात से मुत्तफिक भी था। और भी कुछ कहा था उसने? सुन रही हूँ। उसने कहा कि आलिया से कोई संजीदा बात करनी है। और वो क्या है बताओ मुझे? यही कि तुम सबसे बड़ी नागिन हो आलिया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो क्या बात करेगा तुमसे। जाहिर है शादी के लिए प्रपोज करेगा। एक मिनट, उसने ये कहा? उसने साफ लफ्जों में तो ये नहीं कहा, लेकिन और क्या बात हो सकती है। तो दुल्हन साहिबा, जल्दी से तैयारी कर लो शादी की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जल्द तुम्हारा रिश्ता आने वाला है। सोच रही हूँ क्या पहनूंगी मैं। एक मिनट, जल्दबाजी से काम लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से, ओके? हाय, हद है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आलिया। तुम्हें तो हर चीज के बारे में पहले ही पता होता है, तो अब क्या हुआ? चलो खैर, तुम घर आ जाओ, बाकी की बातें घर पे करेंगे हम लोग। ठीक है, बाय बाय। मुझे फौरन उसके कमरे में चले जाना चाहिए या थोड़ा इंतजार करवाना चाहिए उसे? चली जाती हूँ मैं। नहीं, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वो खुद ही आ जाएगा मेरे पास। उसके कमरे में मुझे जाने की क्या जरूरत है, वो खुद ही आएगा। हाँ, ठीक है, इसे यहीं रख दो। ठीक है कोमल साहिबा। कोमल। हाँ कहो। तुम्हारे बाबा नीचे यिल्दिज़ के साथ बैठे हैं, मैंने सोचा इतला दे दूं तुम्हें। हाँ मैं जानती हूँ, उन्हें देख चुकी हूँ, मेरी बात भी हो गई है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मेरी अम्मी यहाँ पर आ रही हैं कुछ बात करने। बिल्कुल, चली जाती हूँ मैं। अब ये मुझे बताएगी कि मेरे बाबा किसके साथ बैठे हैं? ओह हया। खुशामदीद खानदान साहिबा। शुक्रिया इसकी। कोमल कहाँ है? अंदर है वो। क्या हुआ? शॉक लगेगा सुन के। ऐसा तो मत बोलो तुम। थोड़ा रुक जाएं, अपनी सांसों को बहाल कर लें। बता भी दो। ठीक है बताती हूँ मैं। वैसे मेरे जो अंकल हैं उनके पीछे सिर्फ आलिया ही नहीं पड़ी, बल्कि यिल्दिज़ भी है। कोमल मजाक तो मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही अम्मी, आप खुद ही देख लीजिए कौन किसके साथ मजाक कर रहा है। ये क्या देख लिया आपने? मैं अपने दोस्तों से मिलने रेस्टोरेंट गई थी, मगर मैंने वहां क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े थे, तो मैंने उनकी तस्वीर ले ली। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। यानी ये कि यिल्दिज़ मेरे भाई के साथ भी और दुआन के साथ भी है? अरे नहीं अम्मी, यिल्दिज़ के जो हाथ लग जाए वो उसी के साथ हो जाती है। जाहिर है उसके पास पैसा नहीं है, तो इसके अलावा तो और कोई चारा है नहीं। क्या आलिया जानती है इस बारे में? वो कैसे जानती होगी, बजाहिर तो वो दोनों दोस्त नजर आती हैं, मगर हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ रहती है। मेरा भाई तो हाथ से ही निकल रहा है। बाबा से जान छुड़ाने का यही रास्ता नजर आया उसे। अम्मी देखें, आप इस मामले से दूर रहें, कम से कम बाबा की जान तो छुटेगी। मदीन। जी है सर। मेरे साथ चलो, बात करनी है तुमसे। अंधे को एक आंख की ख्वाहिश है और खुदा ने उसे दो से नवाज दिया। क्या हुआ है सर? मैंने कोमल और खानदान को बातें करते हुए सुना है।
इन्हें शक है कि यिल्दिज़ और एंगन के बीच कुछ तो चल रहा है। क्या? यानी मुझसे पूछो तो ये नामुमकिन है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कोमल के पास उनकी कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। यानी यिल्दिज़ से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका है मतीन। तो क्या करेंगे, दुआन साहब को बताएंगे इस बारे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आलिया एंगन में दिलचस्पी रखती है और यही हमारे लिए अच्छा है। क्या दुआन साहब आलिया साहिबा पे यकीन करते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है मतीन, हम किस लिए हैं? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आलिया और यिल्दिज़ के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाए, और अगर आलिया को यकीन आ जाए तो इसका असर दुआन पर जरूर पड़ेगा मतीन, और इस तरह से यिल्दिज़ दुआन की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मतीन, आलिया कुछ देर में यहाँ से गुजरने वाली है, हम उसकी गाड़ी के सामने आ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा वो तुम मुझ पे छोड़ दो। देखो आ गई वो, चलो चलते हैं जल्दी। क्या नजर नहीं आ रहा, पागल हो गए हो क्या? हया ये तुम क्या कर रही हो, कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, कोई और तरीका नहीं था मेरे पास। क्या? कहीं ऐसी जगह चलो जहाँ तुम्हें कोई ना देख सके। शायद तुम्हें पता नहीं कि एंगन में दिलचस्पी लेने वाली सिर्फ एक तुम ही नहीं हो। अब चलो भी, क्या देख रही हो मुझे? हाँ कहो हया, क्या बात है? क्या कह रही थी तुम एंगन के बारे में, कि मेरे अलावा कोई और भी उसके पीछे है? चलो जल्दी से बताओ, मैं सुन रही हूँ। यिल्दिज़ और एंगन के बीच कुछ चल रहा है। क्या? हंस लो, कोई बात नहीं, हंस लो। हया क्या तुम वाकई संजीदा हो? सिर्फ ये बात बताने के लिए तुम मुझे वहाँ से यहाँ तक लेकर आई हो? हद है। मैंने आज खुद कोमल और हानदान को बात करते हुए सुना है। हाँ। यिल्दिज़ और एंगन दोनों साथ में थे, कोमल ने खुद अपनी आंखों से देखा है और सबूत भी है उसके पास। ठीक है, वो लोग मिले हैं, मैं इस बारे में जानती हूँ पहले से। देखो हया, इस तरह की घटिया हरकत आइंदा मेरे सामने बिल्कुल तुम्हें मत यकीन करना होगा आलिया। मैंने खुद कोमल और हानदान की बातें सुनी है, वो हानदान को बहुत कुछ बता रही थी, उसने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना, वरना वो ऐसा क्यों कहती बताओ मुझे। इसमें क्या है, वो कोमल है, जरूर गलतफहमी हो गई होगी। यानी तुम्हें यिल्दिज़ पे बहुत ज्यादा भरोसा है? हाँ जबरदस्त। देखो यिल्दिज़ अभी तक दुआन के चक्कर में है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक दुआन उसके बारे में सोचेगा हम शादी कर लेंगे। लेकिन एक और बात है, यिल्दिज़ अपनी लालची फितरत की वजह से मजबूर हो चुकी है, ये भी हो सकता है कि वो एंगन की तरफ रागिब हो जाए। अब ये मत कहना कि ये मुमकिन नहीं है। हाँ क्या ख्याल है फिर तुम्हारा, बताओ। तुम्हारा ये इल्म मेरे किसी काम का नहीं, और ना ही मुझे कोई गर्ज है इससे। एक बात बताओ, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तो तजर्बा है मेरा, तो मेरे लिए फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि वो दोनों तुम्हारे इल्म में लाए बिना एक दूसरे से मिलते हैं? वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। और अगर फिर भी मैंने साबित कर दिया तो फिर उस वक्त बात करेंगे हम, ओके? चलती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें एक दफा जाकर यिल्दिज़ से ये सब कुछ पूछ लेना चाहिए, क्या कहती हो? और तुम भी जाकर उससे बात करो जो तुम्हारी बातों पर यकीन करे। बाय बाय। आप आज तो शॉप पर कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ एक मिनट। ओफो, अब क्या हो गया? कुछ अजीब हुआ है आज, जानते हो? क्या हुआ है? यिल्दिज़ मेरे कहने पर एंगन से मिली थी और उसने मुझे कहा था कि वो तुमसे फौरन आकर बात करेगा, लेकिन उसने कोई बात नहीं की मुझसे। और फिर हया मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर देती है, और वो अपनी गाड़ी में से उतरकर मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और मुझसे कहती है कि एंगन और यिल्दिज़ के दरमियान कुछ चल रहा है। और यकीन कर लिया आपने? नहीं यकीन तो नहीं किया मैंने। अगर नहीं किया तो मुझे क्यों बता रही हैं आप? हानदान और कोमल संजीदा होकर इस बारे में बात कर रहे थे और उसने सुन लिया। फिर? उसने कहा वो साबित करके दिखाएगी और तुम्हें भी बताने की सिर्फ यही वजह है। कुछ समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है ये आखिर। कुंवर हाँ? इस बारे में कोमल से बात करो ना तुम, उससे उगलवाने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है, मैं उसे कॉल करके बुला लेता हूँ, मगर पूछूंगा कैसे, असल बात बता दूं क्या? नहीं उसका जिक्र मत करना, हानदान को इस बारे में कोमल ने बताया था और कोमल के फोन में तस्वीरें भी हैं दोनों की। क्या कह रही है? वैसे आपा मुझे जहाँ तक लगता है यिल्दिज़ तो वापस दुआन के पास जाना चाहती है। हाँ ये बात तो सच है,
तो फिर कुवर, देखो मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। यानी ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि यिल्दिज़ का मासी कुछ अच्छा नहीं है। वो मुझे पहले भी धोखा दे चुकी है, ये तुम्हें पता है ना? वो बहुत पुरानी बात है आपा, और आपने भी अच्छा तो नहीं किया था उसके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए फितरत नहीं बदलता वो। यानी आपको ऐसा लगता है वो दोबारा भी ऐसा कर सकती है? ऐसा ही है कुंवर, कुछ लोग मरते दम तक नहीं बदलते कुंवर। अभी तो हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है और हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उस पर भरोसा नहीं कर सकती। ये सब करके खुद को मुतमईन करना चाहती हूँ मैं। जैसे ही मुझे यकीन हो जाएगा कि यिल्दिज़ धोखा नहीं दे रही तो अच्छा महसूस करूंगी मैं, ठीक है? इतनी सी बात है, अब कॉल करो कोमल को। ठीक है, कर रहा हूँ कॉल। सर आपकी कॉफी। शुक्रिया इसकी। दुआन आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। कितना अच्छा महसूस होता है ना बच्चों के साथ रहकर। और फिर आप भी यिल्दिज़ के साथ बहुत खुश रहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यिल्दिज़ मेरी जिंदगी है। जब कोमल पैदा हुई थी उस वक्त मैं जवान था, उस वक्त मुझे सिर्फ एक कामयाब आदमी बनना था, लेकिन यिल्दिज़ मेरी जिंदगी के उस दौर में आई है जब मेरे पास सब कुछ है और मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। वैसे आप जैसा चाहने वाला बाप किस्मत वालों को मिलता है। क्या सच में? शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। शुक्रिया है। बाबा जान। कुमल मैं जा रही हूँ। कहाँ? कुंवर के साथ वॉक पर। इस हालत में वॉक पर? हवा बहुत तेज है बाहर, कोट पहन लेना चाहिए। तो पहन लूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। खुदा हाफिज बाबा। अपना ख्याल रखना मेरी जान। इज़्ज़ी मेरा कोट ले आओ जल्दी। आ गई मैं। हाँ, सकून से वॉक भी नहीं कर सकता, घर किसी उलझन में ही रहता है। मेरे घर का भी यही हाल है। माफ करना मैं शॉप पर आ नहीं सकी, कुछ सेल वगैरह हुई या नहीं? बस कुछ खास नहीं, तुम बताओ, फ्रेंड से मिल लें अपनी? कुंवर मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगे। देखो मैं इधर की बात उधर नहीं करता। वादा करो पहले। ठीक है वादा करता हूँ। मैंने आज यिल्दिज़ और मामू को एक साथ देखा। कहाँ देख लिया तुमने? खुद देख लो अपनी आंखों से। मैं सही कह रही थी ना? नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यिल्दिज़ और मेरे मामू हाथों में हाथ डाल के खड़े हुए थे। लेकिन कोमल हो सकता है इसकी वजह कुछ और हो और हम लोग कुछ और। इसकी कोई वजाहत जरूर होनी चाहिए क्योंकि बदकिस्मती से मेरे बाबा अभी भी यिल्दिज़ से प्यार करते हैं और मेरी बहन की वजह से वो दोनों हर वक्त एक दूसरे से मिलते रहते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो कोमल इसके पीछे जरूर कोई और बात होगी, एक बार मालूम कर लेते हैं। तुम कभी यिल्दिज़ की बुराई नहीं सुन सकते। ऊपर से कह रहे हो कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ। हाय कितना जबरदस्त एपिसोड है ये। जी सही कहा, मुझे तो इसमें ये बच्चा भी बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है ये। हाँ तो यिल्दिज़ बताया नहीं तुमने मुझे कि तुम्हारे और एंगन के दरमियान क्या बातें हुई। बता तो दिया था आलिया, तुम्हारी तारीफें की मैंने बहुत ज्यादा। बस बेफिक्र हो जाओ तुम, बहुत जल्द बारात आ जाएगी तुम्हारी। एक बात बताऊँ तुम्हें, मैं उम्मीद करती हूँ मैं कि तुम उससे शादी कर लोगी। उम्मीद करती हूँ इस बात से क्या मतलब है आपका? मतलब तो जाहिर है आलिया कि एंगन तुम्हारे साथ टिका रहे बस। इसका मतलब तुम सबको एंगन पसंद है। आलिया वैसे हमारी राय का ख्याल कब से आ गया तुम्हें? काफी दिलचस्प बातें कर रही हो तुम इस वक्त। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वहाँ तुम्हारे आसपास ऐसा कोई था जो तुम्हें जानता हो यिल्दिज़? कोमल आ गई थी। हाय वो तो हर जगह मौजूद होती है। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो यिल्दिज़? हाय जाहिर है एंगन के पास पैसे हैं तो फिक्र तो होगी ना कोमल। उसने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें देखकर उसका रवैया कैसा था, क्या पूछा था उसने तुमसे? जाहिर है जल गई थी वो तो मुझे किसी के साथ देखना ही नहीं चाहती। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है यिल्दिज़। मुझे क्या पड़ी है उसकी फिक्र करने की? क्या पता उसने ऐसा कुछ देखा, कोई भी ऐसी चीज जिसे देखकर उसे लगा हो कि तुम दोनों साथ में हो। हाँ यिल्दिज़। क्या देखा होगा आलिया, हम साथ में कॉफी पी रहे थे और तुम्हारी तारीफें कर करके गला सूख गया था मेरा।
ओ, तो कुंवारा कुंवर आ गया। वॉक करके वापस आ रहा हूँ, काफी थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। हाँ मुझे भी। खाओगे कुंवर? नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, बहुत नींद आ रही है, बैठने की हिम्मत नहीं है, सोऊंगा, सुबह जल्दी भी उठना है। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट कुंवर मेरी जान। खैर रात बहुत हो गई है, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट आलिया। गुड नाइट आलिया। सो जाना और एंगन के ख्वाब देखना आलिया। हॉरर मूवी देखे अम्मी? हाँ क्यों नहीं। हाँ तो क्या ख्याल है जैनब? कुंवर क्या हुआ? कोमल ने क्या कहा तुमसे, जल्दी से बताओ। आपा मेरी बात सुकून से सुनिएगा, खबर बिल्कुल सच है। क्या? जी हाँ, कोमल ने खुद देखा उन्हें और उसे भी आप जैसा ही लगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपा सच कहूँ तो जब कोमल ने मुझे तस्वीर दिखाई मुझे भी यकीन नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हाथों में हाथ था दोनों का तस्वीरों में? नहीं मतलब हाथ तो नहीं था, बस करीब थे ये कह सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कुंवर? हाँ आपा मुझे लगता है इसकी कोई और वजह होगी, और आप ही ने तो भेजा था उसे। हाँ लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसका जाकर हाथ थाम ले। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, आपको यिल्दिज़ से बात कर लेनी चाहिए। कुंवर हया ने कहा था कि वो ये साबित करके रहेगी, और जब वो ये साबित कर देगी उस वक्त मैं यिल्दिज़ से बात करूंगी। हाँ वैसे ये मुमकिन नहीं। वैसे कुंवर जो कुछ भी तुमने कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। मतीन मुझे कोमल के फोन का पासवर्ड चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल मिल जाएगा है साहब। कैसे मिल जाएगा मतीन, हमारे पास वक्त नहीं है। एक तो हैकर जानने वाले हैं मेरे, वो फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं। हाँ लेकिन ये सब उसके फोन के बिना कैसे मुमकिन है, खुद सोचो तुम। ये इतना आसान नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो मतीन। वो ऐप मेरे या आपके फोन पे इंस्टॉल कर देंगे तो उससे ये होगा, हम जैसे ही अपना फोन उनके फोन पर रखेंगे वैसे ही हमें पासवर्ड मिल जाएगा। समझो फिर तो सब कुछ आसान हो गया, बस सब कुछ ठीक से हो जाए। फौरन मेरे अंकल की तरफ आ जाओ, ये जिंदगी और मौत का मामला है। बेबिक स्ट्रीट नंबर 5। जल्दी से आ जाओ और किसी से कुछ मत कहना। क्या है ये? हाँ ऐसा मैसेज क्यों किया उसने? किस बारे में बात करनी होगी उसे? अगर कोई जरूरी बात होगी तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगी कि मैं नहीं आई। उफ, पता नहीं तुम क्या कहना चाहती हो लेकिन ठीक है मैं आ रही हूं। पागल आयशा। हाँ हेलो, कहो हया। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, अब जाओ जाकर खुद ही देख लो। क्या? यिल्दिज़ एंगन से मिलने के लिए निकली है, खुद देखा है मैंने।
आयशा जी, यिल्दिज़ कहाँ है? यिल्दिज़ साहिबा बस अभी अभी गई हैं। ज़ैनब साहिबा और आसमा साहिबा वॉक पे गई हैं साथ में। ठीक है। कुंवर, 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 यिल्दिज़ आखिर एंगन से क्यों मिलने गई है, क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, ये भी तो हो सकता है इस बात में कोई सच्चाई ना हो। तो क्या हया का दिमाग खराब हो गया है जो उसने ये सब कुछ कहा है मुझसे? हया तो ऐसे ही बोलती रहती है बस। तो उसे कैसे पता चला कि इस वक्त वो कहाँ है? क्या पता उसे फोन पे बात करते सुना हो उसने? ठीक है आप, हम वहाँ जाते हैं, यिल्दिज़ को देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आप? मुझे नहीं मालूम कुंवर। उस पर हमला करने का तो नहीं सोच रही ना? वैसे तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं किसी पर हमला नहीं करती। हाँ, एक ही दफा में वार करके अपना मामला खत्म कर देती है। अगर ये सब कुछ सच हुआ कुंवर, तो यकीन करो उससे हर ताल्लुक खत्म कर दूंगी। उससे इसकी माफी नहीं मिलेगी, ना ही कभी माफ करूंगी मैं। जानता हूँ आपा, पता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कोमल है क्या यहाँ पर? जी कौन? कोमल यिल्दिज़। यिल्दिज़? ठीक है आप जाएं, मैं बात करूं। कोमल को ढूंढ रही? कोमल से मिलने आई थी क्या? यहाँ पर नहीं है वो? बात क्या है, बता सकती हो तुम मुझे? उसने मुझे मैसेज किया था कि यहाँ आ जाऊं मैं। क्या मुसीबत है। अच्छा अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं आराम से। बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोमल का मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था कि फौरन मेरे अंकल के घर पे आ जाओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मगर कोमल ये सब कुछ क्यों करेगी? वो कोमल है, कब क्या कर दे इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी तक पीछे पड़ी हुई है वो मेरे। ये देखिए उसने ये मैसेज किया था। अच्छा ठीक है, दिखाओ मुझे। जल्दी फौरन मेरे अंकल की तरफ जाओ, ये जिंदगी और मौत का मामला है। मैं तुम्हें उनके घर का एड्रेस सेंड कर रही हूँ और प्लीज किसी को कुछ मत बताना। ऐसा तो नहीं वो तुमसे कोई मजाक कर रही हो? सही कहा, मजाक कर रही होगी मुझसे। खैर यूं अचानक आकर आपको जहमत दे दी, माफी चाहती हूँ मैं। अरे जहमत की कोई बात नहीं, मैंने तो तुमसे कुछ खाने पीने का पूछा ही नहीं। तुम चाय पियोगी या कॉफी? नहीं शुक्रिया, अब चलती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं कोमल को कॉल करता हूँ क्योंकि मुझे भी परेशानी हो रही है। नहीं जरूरत नहीं, अगर वो मुझसे मजाक कर रही है तो मैं खुद बात कर लूंगी उससे, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है जैसा तुम्हें बेहतर लगे, चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। कोमल मजाक क्यों करेगी? कोई नहीं आ रहा, झूठ बोला शायद उसने आपा। हया को पूरा यकीन होगा इसीलिए उसने ये सब कुछ कहा, वरना वो ऐसा कभी ना कहती। अगर उसने मुझसे झूठ बोला है तो उसकी खैर नहीं। आपा मुझे तो समझ नहीं आ रही आप इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हैं। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ मैं। अच्छी बात। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा देखें, मुझे अभी भी लग रहा है इसके पीछे जरूर कोई और बात होगी। वो यहाँ क्या लेने आई थी आखिर? इसे इस चीज का हिसाब देना होगा। आपा आप इस तरह परेशान होने के बजाय उससे एक बार पूछ क्यों नहीं लेती? हाँ इस तरह खुद को परेशान करने से कोई फायदा नहीं। आपा प्लीज समझे मेरी बात को। यिल्दिज़ साहिबा, कोमल कहाँ है? वो अंदर ही है। ये यहाँ क्या कर रही है? कोमल। हाँ कहो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ यिल्दिज़? देखो मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुमसे निपटूं, क्योंकि मैं दो बच्चों की माँ हूँ। हाँ जैसे मैं तो अपना सारा वक्त तुम्हारे लिए वक्फ करके बैठी हूँ। सुबह सुबह मैसेज क्यों किया तुमने मुझे? कैसा मैसेज? जिंदगी और मौत का मामला है, फौरन आके मेरे अंकल के घर पे मिलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर मैं किसी मुसीबत में भी होती तो मैं तुम्हें क्यों मैसेज करती? किया था तुमने। जल्दी मैं अपना फोन गाड़ी में भूल कर आई हूँ, रुको जरा। जरा एक मिनट रुको, अभी देख लेते हैं, सब सामने आ जाएगा। हाँ तो किस मैसेज की बात कर रही थी तुम? डिलीट कर दिया होगा। यिल्दिज़ मैं तुम्हें मैसेज करके क्यों डिलीट करूंगी बताओ मुझे? मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन मुझे इन चक्रों से दूर रखो। हाँ यही कहने वाली थी मैं भी तुमसे। यिल्दिज़ बहुत हुआ,
मेरे मसाज का टाइम हो गया, तो बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। आइंदा ऐसा कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। पता नहीं क्या हो जाता है, अजाब कर दी है मेरी जिंदगी। मुसीबत में ये फोन भी साथ छोड़ देता है मेरा। खुशामदीद यिल्दिज़। आज ऑफिस नहीं गई क्या तुम आलिया? हाँ हाँ, तुम कहाँ से आ रही हो? हाँ, बहुत ही अजीब हुआ है कुछ। वाकई में बहुत कुछ अजीब हुआ है आज। तुम्हें क्या हो गया है आलिया? ये तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है यिल्दिज़। कोमल का मैसेज आया था मेरे पास कि मुझसे फौरन आके मेरे अंकल के घर पे मिलो, जिंदगी और मौत का मामला है। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो वहाँ नहीं थी। अल्लाह, क्या कुछ हुआ है आलिया? ये कैसा रवैया है तुम्हारा? नहीं तो, मैं सुन रही हूँ। कहो कहो, सुन रही हूँ। हाँ, तो कोमल ने तुम्हें मैसेज किया कि मेरे अंकल के घर पर आओ और तुम चली गई। उसके मैसेज के बाद मैं फौरन उसके अंकल के घर चली गई। जरूर वो कोई खेल खेल रही है मेरे साथ। उम्मीद है कि ऐसा ही हुआ हो। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ आलिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती यिल्दिज़। आयश आलिया, तुम भी ना, खुद पढ़ लो तुम। कोमल से पूछा तुमने कि उसने ऐसा क्यों किया? अभी वहीं से आ रही हूँ मैं, मगर वो कह रही है कि मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। क्या कहने उसके? कोमल ने तुमसे कहा कि उसने तुम्हें मैसेज नहीं किया, लेकिन मैसेज तो उसी के नंबर से आया है। आलिया, तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें कोई शक है तो एंगन या कोमल से जाके पूछ सकती हो। पूछूंगी मैं, इस बारे में बात करूंगी एंगन से भी और कोमल से भी जरूर बात करूंगी मैं, और फिर आखिरी बात यिल्दिज़ तुमसे होगी। अल्लाह अल्लाह, हर 2 साल गुजरने के बाद इसे मुझसे दुश्मनी करने का दौरा पड़ जाता है। हद है। खुशामदीद। कोमल को जाकर बताओ कि मैं आई हूँ उससे मिलने के लिए। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। लगता है मैं लोगों के लिए खास हो गई हूँ, तभी तो मुझसे लोग मिलने आ रहे हैं। क्यों आलिया? यहाँ कुछ पूछने आई हूँ मैं तुमसे। यिल्दिज़ और तुम्हारे ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं। अच्छा चलो पूछो। क्या यिल्दिज़ को कोई मैसेज किया था तुमने? क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? मैं क्यों मैसेज करूंगी उसको? और मुझे वही एक मिली है जिसको मैं कहूंगी कि आकर मुझे बचाए। यिल्दिज़ फिर ऐसा क्यों कह रही है, बताओ जरा। क्योंकि जो भी उसके झांसे में आ गया वो उसके साथ हो जाएगी। वो मेरे बाबा पर चाले आजमा रही है और तो और अब मेरे अंकल पर भी। खैर, हैरान होने की जरूरत नहीं है, यिल्दिज़ पहले भी ऐसा कर चुकी है। अब देखो ना, पहले तो मेरे बाबा के साथ थी, तब उसने तुम दोनों को अलग करवाया और बाबा से शादी कर ली उसने। अब जो इंसान ऐसा पहले कर सकता है वो ये सब दोबारा नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है वो आलिया। तुम्हें लगता है कि कुछ चल रहा है उन दोनों के दरमियान? तुम्हें ये दिखाना ही पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं है। खुशामदीद आलिया साहिबा। एंगन साहब क्या घर पर है? जी वो अंदर है। एंगन? आलिया, खुशामदीद। यिल्दिज़ आई थी क्या तुमसे मिलने? कोमल के मैसेज को लेके उसे शायद कोई मसला था। तो तुम दोनों एक तरह का ही झूठ बोल रहे हो।
क्या मतलब समझा नहीं कुछ? समझने की जरूरत भी नहीं। खैर छोड़ो, तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना, तो बताओ क्या बात है, मैं आ गई हूँ, कहो क्या कहना है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। समझ नहीं आ रहा तुमसे बात शुरू कैसे करूँ। मैं सुन रही हूँ। सबसे पहले मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम्हारे साथ जो मेरी दोस्ती है वो काबिल कदर है। तुमने मुझ पर भरोसा किया, मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मेरी मदद की और मेरा साथ देकर, यानी सच कहूँ तो मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम मेरे साथ रहो। जो असल बात है वो साफ साफ कह दो मुझे, तुम्हें बात घुमाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या है जो तुम कहना चाहते हो एंगन? मेरा मतलब सिर्फ मेरी दोस्त बनकर। समझ गई। यकीन करो तुम एक अच्छी औरत हो और किसी भी मर्द का ख्वाब हो सकती हो, मगर मेरे दिल में कोई और बस चुका है। यिल्दिज़ से करते हो प्यार? ठीक है, मुझे जवाब मिल गया है, अब मैं चलती हूं। उसे तो इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं, जो कुछ भी है बस मेरी तरफ से। हाँ मुझे पूरा यकीन है इस बात का, वो कुछ नहीं जानती होगी। यकीन जानो आलिया, जो कुछ भी है अभी वो मेरे दिल में है, उसे तो इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं। ठीक है, हमारे दरमियान जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। आलिया खुश रहो तुम उसके साथ। आलिया आलिया अब इसे कैसे मनाऊंगा मैं? दुआन, अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है। दुआन, कैसे हो तुम? खुशामदीद आलिया, क्या कहना चाहती हो? इस वक्त तुम्हें यूं परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर जो कुछ तुम्हें बताने आई हूँ वो सुनकर तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर फिर भी बताना चाहूंगी मैं। क्या हुआ है? है तो बहुत कुछ, लेकिन एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगी मैं। क्या मतलब? क्या है ये? इसे एक तरह की एक छोटी सी मदद समझना। कोई ऐसा है जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है। हो सकता है इस छोटी सी मदद से हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएं दुआन। ये मालूमात तुम्हें कहां से मिली? आदिल से। किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आदिल को साजिश के तौर पर यहाँ पर भेजा गया है और ये काम तुम्हारे दुश्मनों का है, ताकि वो तुमसे बदला ले सके। यकीन नहीं आ रहा मुझे। वैसे ये सब कुछ जानकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी दुआन। मुझ तक पहुँचने के लिए उसने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। औलाद ही तो कमजोरी होती है, और जो दुश्मन होते हैं उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि हमारी कमजोरी क्या है, और वो इसीलिए हमसे बदला लेने के लिए हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं। मैं कोमल को बता दूंगा इस बारे में सब कुछ। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन ये हकीकत सुनकर टूट जाएगी वो, क्योंकि दिल ही दिल में वो उसे चाहने लगी है। आदिल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, उसे इसकी सजा मिलेगी। वैसे तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? मुझे उस पर शक था, इसीलिए मैंने नजर रखी हुई थी उस पर। मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है कोई, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर हो सकती है, इसीलिए तुम्हें बताने में आ गई। इसके बदले जरूर तुम्हें कुछ चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर यकीन करो दुआन, जो मैं चाहती हूं उससे तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। जी।